परचेज किया है, और सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल फिलहाल मैं इसे यहाँ रखती हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज रंगोली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रंगोली ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीजन शुरू हो चुका है और दिवाली बस 2-3 दिन में ही आने वाली है, तो मैं यहाँ पे मीशो से आइटम्स परचेज की हूँ। डेकोरेटिव आइटम तो सेल चल रहे थे, तो मैंने क्या क्या परचेज किया है, मैंने इतना कुछ परचेज किया है मीशो से, तो वन बाय वन मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या परचेज किया है मीशो। जैसा कि आप सभी को पता है कि मीशो पे बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे, तो चलिए अंडर 300 जो कुछ भी मैंने परचेज किया है डेकोरेटिव आइटम्स अंडर 300 है। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या परचेज किया है। वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट आइटम जो कि मैंने परचेज किया है, गुड वाइब्स का ये वॉल डेकोर है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये बहुत ही खूबसूरत सा वॉल डेकोर है। और मैं आपको अभी तो फिलहाल मैंने इसे वॉल पे लगाया नहीं है, पर मैं आपको दिखाती हूँ इसे कैसे लगा सकते हैं। और तो ये है गुड वाइब्स का फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने परचेज किया था मीशो से। सो ये है गुड वाइब्स का वॉल डेकोर जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया था और जो कि मुझे मिला है ओनली 108 रुपीज़। आप आसानी से जाके इसे मीशो से परचेज कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने इसे वॉल पे नहीं लगाया, पर मैं जल्द ही लगाऊंगी। तो ये बहुत ही सुंदर सा गुड वाइब्स का ये वॉल डेकोर है और ये बहुत ही अच्छे मटेरियल में है, तो ये आराम से ईज़िली वॉल पे चिपक जाएगा। इसके साथ ही इसे चिपकाने के लिए इन्होंने स्टिकर्स भी दिया है, जिसके थ्रू आप इसे ईज़िली अपने वॉल पे स्टिक कर सकते हैं। द सेकेंड प्रोडक्ट इज ये टिश्यू होल्डर जो कि मेरे डाइनिंग टेबल के लिए मच रिक्वायर्ड थिंग था। तो ये है टिश्यू होल्डर, बहुत ही अच्छे मटेरियल का ये बना है, मेटल का बना है। तो ये है नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये टिश्यू होल्डर। सो द अनदर प्रोडक्ट इज द टिश्यू स्टैंड जो कि मैंने अपने डाइनिंग टेबल पे लिया है और जो कि मुझे सिर्फ मिला है 131 रुपीज़ में। अगेन मैंने ये मीशो से ही परचेज़ किया है और इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये मेटल में है और अभी जब मैं अपना डाइनिंग टेबल डेकोरेट करूँगी तब मैं इसे आपको ज़रूर शो करूँगी। फ़िलहाल ये इसमें आराम से आप टिश्यू रख सकते हो और ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। प्रोडक्ट इज द कैंडल, जैसा कि आप देख सकते हैं ये ग्लास का बना हुआ है और ये आप इसमें फिट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे पैकेजिंग में आया था और ये गोल्डन मेटल में है और ज्योमेट्रिकल शेप का है, ये बहुत ही खूबसूरत है। आप इसको सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल और टीवी कैबिनेट कहीं भी आप इसे रख सकते हैं, आप यहाँ भी इसे डेकोर कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें टी लाइट कैंडल डाल सकते हैं या फिर हवा वाला कैंडल डाल सकते हैं। ओके गाइस, सो द अनदर वन इज़ द कैंडल स्टैंड जिसके अंदर ग्लास है और बाहर का जो इसका बॉडी है वो मेटलिक है, गोल्डन मेटलिक बॉडी है इसका, जो कि मुझे मिला था सिर्फ ₹259 में। एंड यस, प्राइसेस में वैरी क्योंकि जब सेल चलते रहते हैं तो प्राइस अलग होते हैं और उसके बाद प्राइस अलग हो जाते हैं। और उसमें मैंने ये टी लाइट कैंडल डाल दिया और ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था, और जब मैंने लाइट्स ऑफ किया उसके बाद भी ये बहुत ही सुंदर दिख रहा था। तो आप इसे अपने सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, टीवी कैबिनेट कहीं भी आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। फ्लावर होल्डर है, ये फ्लावर पॉट भी आप कह सकते हैं, अगेन इसमें भी ग्लास है और ये ग्लास भी निकल सकता है आराम से और आराम से इसमें फिक्स भी हो सकता है। और अगेन ये गोल्डन मेटल का बना है, आप इसे एज अ कैंडल स्टैंड और अ फ्लावर स्टैंड आप यूज कर सकते हैं। तो ये है नेक्स्ट प्रोडक्ट। ओके, सो अनदर वन इज़ द फ्लावर स्टैंड, फ्लावर पॉट यू कैन से ऑल्सो। तो ये मुझे रिसीव हुआ है ओनली 245 में अगेन, और ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो इस पर अब ऐसे आ रहे हैं ना जो कि आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं अब, क्योंकि दिवाली के कारण सब ने ले लिया होगा, तो फिलहाल ये सारे प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं। बट यू कैन ऐड इन योर विश लिस्ट और जब ये स्टॉक में आए तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप उसे ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी मंगवाए थे और जो कि मैं इसमें डाल दी हूँ और ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहे थे। Another product is the flowers,
फ्लावर्स अनदर प्रोडक्ट ये फ्लावर्स है जो कि बहुत ही अच्छे फैब्रिक में है और बहुत ही सुंदर बहुत ही ब्राइट कलर्स है और जो कुछ भी मैंने मीशो से परचेज किया है वो सभी के प्राइस अंडर 300 है। जो भी मैंने परचेज किया है वो सब 300 के अंदर है। तो और ऑफर्स तो मीशो पे चलते रहते हैं तो फटाफट से जाइए और वहां ले लीजिए। बहुत ही खूबसूरत लगेगा, अगेन आपके सेंटर टेबल डाइनिंग टेबल कहीं भी आप इसे डेकोरेट करेंगे तो। सो ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो कि मैंने मीशो से ऑर्डर किया था ओनली इन 115 रुपीज़। प्राइसेस में अगेन वेरी अकॉर्डिंग टू द सेल प्राइसेस वेरी करते रहते हैं। तो ये मुझे सेल में 115 रुपीज़ में रिसीव हुआ था और ये रहा कैंडल स्टैंड और ये है फ्लावर पॉट। वैसे ये दोनों सिमिलर ही दिख रहे हैं तो आप इसे मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हैं। आप उसको भी फ्लावर स्टैंड बना सकते हैं और उसको भी कैंडल स्टैंड बना सकते हैं एज यू विश। आइटम है ये मेटेलिक ट्री, अगेन ये बहुत ही अच्छे पैकेजिंग में आया था। ये इसका डब्बा जो था वो गोल था और ये बहुत ही खूबसूरत पैकेजिंग में आया था और ये ऐसे बंद रहता है। जब मैंने इसे ओपन किया तब आप इसे ऐसे फैलाएंगे तो ये स्प्रेड करेंगे तो ऐसे ये फैल जाएगा। ये बहुत ही खूबसूरत है, आप इसे कहीं भी डेकोर में कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे यहाँ रखती हूँ। और ये बहुत ही सुंदर सा क्रिस्टल ट्री है जो कि अगेन मैंने मीशो से परचेज किया था ओनली इन रुपीज़ 245 और इसमें बहुत सारे आपको कलर्स भी मिल जाएंगे। मैंने मल्टी कलर में इसे परचेज किया था और ये क्रिस्टल ट्री बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और इसकी पैकेजिंग भी बहुत ही अच्छी थी। ये जब पैकेजिंग में ये बिल्कुल ही क्लोज था, जब आप इसे ओपन करें और करके स्प्रेड करेंगे तो फिर ये ट्री जैसा फैलेगा। शेप का ये लिखा हुआ है बट आई एम लिटिल डिसअपॉइंटेड विद दिस बिकॉज ये लव शेप का है LOVE बट इसका मटेरियल बिल्कुल अच्छा नहीं है तो मैं इसे नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप ले। ये 100 समथिंग का वो मैं मेंशन कर दूंगी बट इसका मटेरियल बिल्कुल अच्छा नहीं है। बट मैं इसे रिटर्न नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत शौक से मंगवाया था। मैं किसी भी तरह मैं इसे फिक्स करूंगी, वॉइस नहीं करूंगी कि आप ले, बट वैसे आपकी मर्जी, आप ले भी सकते हैं। वैसे ये वॉल पे बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो ये है नेक्स्ट आइटम। सो द अनदर वन इज़ द लव वॉल डेकोर जो कि वुडन में है बट इसकी क्वालिटी बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। ओनली इन 116 रुपीज़ में ये हमें रिसीव हुआ था बट इसकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसमें 3 होल्स बने हैं जिसमें आप ये अंदर से आराम से इसे फिक्सअप कर सकते हैं और इसे वॉल पर डेकोर कर सकते हैं। उसके लिए भी होल्स बने हुए हैं यहाँ पर बट ये बहुत ही पतले क्वालिटी में है। जो भी मैंने दिवाली के आइटम्स खरीदे हैं, डेकोरेटिव आइटम्स खरीदे हैं, वो सब आपको अच्छे लगे होंगे और आपने भी अपने घर में जम के तैयारी कर ली होगी दिवाली की। तो ये है मेरा होम डेकोर हॉल मीशो का जो कि अंडर 300 है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। और चुलचुल भी कुछ बोलना चाहते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एंड एडवांस आप सभी को हैप्पी दिवाली। खूब सजाइए अपने घर को दिए से और खासकर मिट्टी के दिए जरूर ले कैंडल्स के अलावा। तो आपको ये मेरा फेस्टिव डेकोर हॉल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।